हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके लिए ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूं और मैं आपको ब्रेड गुलाब जामुन बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका इसमें बताऊंगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गुलाब जामुन तलते समय बिखर जाते हैं या वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, हार्ड रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो चाशनी होती है वो चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक बाउल भरकर मैंने जो है चीनी ली है और इसी बाउल से मैंने 1.25 बाउल पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे इलायची, 5 से 6 इलायची जिनको कि मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। देखिए हमारी जो चाशनी अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसमें कुछ नींबू के टुकड़े डाल रहे हैं और एक चुटकी मैंने इसमें फूड कलर डाला है। फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप यदि नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिएगा। अब हम नींबू के टुकड़े निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें कि मैंने 1/2 लीटर दूध डाला है, ये फुल फैट मिल्क है। देखिए इसे आप अच्छे से पकाइएगा, 20 मिनट इसे पकने में लगते हैं। हमें इसकी रबड़ी बनाकर तैयार करना है। इससे जो है आपकी जो दूसरी समस्या या दूसरी परेशानी जो आती है ब्रेड के गुलाब जामुन में, कि आपको इसमें ब्रेड का फ्लेवर आता है, तो बहुत हद तक इससे जो ब्रेड का फ्लेवर है दूर हो जाएगा और बहुत अच्छा सा गुलाब जामुन का फ्लेवर आपको मिलेगा। तो आप दूध को इस तरीके से डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 ब्रेड ली है और इस ब्रेड को हम किनारे काट कर अलग कर देते हैं। किनारे आप इसलिए अलग कर दीजिए क्योंकि किनारे जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो हमें एक सा ब्रेड चाहिए, तो हमें एक सा सॉफ्ट ब्रेड इसमें मिल जाता है। देखिए तो मैंने सभी ब्रेड के जो है किनारे अलग कर दिए हैं। अब आप इसे इस तरीके से टुकड़े कर लीजिए या हाथों से तोड़ लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और अब हम इसे मिक्सर के जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। चलिए हमने जो रबड़ी बनाई थी उसको हमने ठंडा होने रख दिया था, तो उसे देख लेते हैं। देखिए ये कितना थिक है और इससे जो है हमारे गुलाब जामुन को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलने वाला है। तो आप ये थोड़ी सी मेहनत दूध को पकाने की जरूर कर लीजिएगा। अब हम इसमें जो है ब्रेड क्रम्स डालेंगे और आपकी जो अगली परेशानी होती है कि हमारे गुलाब जामुन तेल में तलते समय बिखर जाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 कप मैदा। मैदा इसको बाइंड करने का काम करेगा और जो गुलाब जामुन है वो तलते समय बिखरेंगे नहीं। तो आप इसमें मैदा मिला लीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। घी डालने से ये अच्छे से एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। देखिए अच्छे से ये बंद गया है और इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। अभी देखिए हमारा जो मिश्रण है वो थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम इस मिश्रण में 1 टेबल स्पून मैदा और मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। पर आप ध्यान रखिएगा कि इसे हमें बहुत हार्ड नहीं करना है, जो हमारा डो है वो सॉफ्ट ही रहना चाहिए। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा सख्त कर लेंगे तो आपका जो है गुलाब जामुन बहुत ही सख्त बनेंगे, तो इसे सॉफ्ट ही रहने दीजिए और हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसे गुलाब जामुन बनाइएगा। मैं इसमें किशमिश की स्टफिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से रख कर हम फोल्ड करेंगे और बहुत ही आसानी से गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप सारे गुलाब जामुन जो है वो बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है और इसमें हम छोटा सा बॉल्स डालकर देखेंगे कि अच्छे से फ्राई हो रहा है कि नहीं। अगर ये अच्छे से फ्राई हो रहा है तभी हम सारे बॉल डालेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। तेल को आप मीडियम ही रखिएगा इन गुलाब जामुनों को सेकने के लिए, ना आपको इसे लो पर रखना है ना बहुत हाई फ्लेम पर रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई होते हैं। और ध्यान रखिए तलते समय आपको इसमें चम्मच नहीं लगाना है जब तक ये थोड़े से सख्त ना हो जाए या ऊपर एक परत ना आ जाए। तो देखिए अब हम इसको झारे से इस तरीके से सेक लेंगे और इसे अच्छे से आप
देखिए इस तरीके से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कीजिएगा। इसे मैंने प्लेट पर निकाल लिया है। कितने बढ़िया गुलाब जामुन हमारे तलकर तैयार हुए और कोई भी गुलाब जामुन हमारा बिखरा नहीं है। चाशनी हमारी हल्की गर्म है और गुलाब जामुन हमारे जो हैं वो बहुत गर्म है। अभी 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 हमने इनको तलकर निकाला है, तो इसे मैंने डाल दिया है चाशनी में और ढक्कन लगाकर हम इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल चुके हैं। मैं आपको एक गुलाब जामुन निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपका गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप इस तरीके से गुलाब जामुन जरूर बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने में वो इस वीडियो में जरूर दूर हो गई होंगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और भी यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।